तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? द एंगल बिटवीन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस के कैप, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है हमको पूछा गया है। तो मान लेते हैं इसको वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और वेक्टर बी मानते हैं जे कैप प्लस के कैप। तो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होता है? तो वो होता है ए बी कॉस थीटा। अब ये ए और बी क्या है? तो इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो कॉस थीटा कितना आएगा? तो कॉस थीटा आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए डॉट बी। ठीक, तो अब मुझे बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? तो यहां पर आई कैप नहीं है, यहां पर के कैप नहीं है, वेक्टर ए में के कैप नहीं है और वेक्टर बी में आई कैप नहीं है। तो यहां पर सिर्फ हमारे पास दोनों दिखेगा कॉमन जे कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आएगा? सिर्फ वन आएगा, और वो भी वन क्यों आएगा? तो क्योंकि वो जे कैप डॉट जे कैप के कारण आएगा। उसके बाद वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो ये कितना आएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड? तो ये आएगा वन प्लस वन, कितना आता है? रूट टू आता है। ठीक, उसके बाद वेक्टर जे प्लस वेक्टर के कितना आएगा? तो वो भी भाई रूट टू आएगा। तो ये कितना आता है? ये आ रहा है वन बाय टू। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहां पर कितनी मिली? तो वो मिली वन बाय टू। और कॉस थीटा की वैल्यू वन बाय टू कब आती है? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है तब हमें कॉस थीटा की वैल्यू वन बाय टू मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन को टिक करो और आगे